तो प्यार बहन भैया, जो बातें आप सबसे शेयर करनी थी, जो सीरियसली जब उनके बारे में सोचते हैं तो दिल बहुत दुखता है, बहुत दुख होता है। यहाँ पे जी दो चोर पकड़े हैं, पुलिस भी आई हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जो है ना, मैं सुबह सुबह के टाइम कहीं चला गया था, लेट हो गया और सारा काम जो है ना आपकी भाभी ने कर लिया। चला भी गया और आपके भाई का दिल भी नहीं करता व्लॉग बनाने को। वैसे आज जो है ना दिल नहीं कर रहा था क्योंकि व्यूज आते नहीं, इसी वजह से। अल्लाह खैर करेगा, रोटी टूट सा जाता है, रोटियां लग चुकी हैं। अब जो है ना हम नाश्ता करते हैं, रोटियां उठा के ले चलते हैं अपने घर, ठीक है जी। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, नाश्ता करना है तो जल्दी से आएं, ठीक है। हम जा रहे हैं और आपका वेट करते हैं। किसी बहन भाई ने खानी है तो जल्दी जल्दी आ जाए, खाना हमारा तैयार है अभी तक जी। नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें जी। आज जो है ना हमने प्याज और टमाटर की चटनी बनाई है, प्याज नहीं बनाए, उनकी चटनी बनाई है। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाए, और हमें जो है ना भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। चलें जी, आ जाए। आज आपको नहीं खाने दूंगा, कैमरा ऑन रहेगा, मैं खुद खाऊंगा। चलें जी, हम शुरू करने लगे हैं, जिसने आना है तो आ सकते हैं जी। तो आज जो है ना आपकी भाभी जल्दी इंतजाम कर रही है सालन बनाने का। नाश्ता हमने कर लिया है, जो तंदूर मैंने गरम किया था ना वहाँ पे सेक पड़ा है, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये कद्दू शरीफ और ये सोयाबीन दाल भी डालकर और तंदूर में रख दूं, ये शाम को जो है ना फिर मैं सालन बनाऊंगी। हाँ, ये जो है ना बॉयल हो जाएंगे, उबल जाएंगे, फिर जो है ना अच्छे तरीके से सालन बनेगा। हाँ जी, चलें जी, गुड हो गया जी, ओके हो गया। ये देखें जी, पानी भी डाल दिया है और ये जो है ना अंगारे कुछ पड़े हैं, तो ये अच्छी तरह से जो है ना बॉयल हो जाएंगे, उबल जाएंगे, कद्दू शरीफ भी और दाल भी। हाँ जी, ये दोनों जो है ना ये उबल हो जाएंगे, शाम को फिर उठाऊंगे सालन बनाएंगे। जी तो मैं जो है ना अब जा रहा हूँ चौक पे, क्योंकि मूछें जो है ना कुछ बड़ी बड़ी हो गई है मेरी, वहाँ से जो है ना मूछें छोटी करवाता हूँ, सेटिंग करवाता हूँ, फिर जो है ना आप सबसे मिलते हैं। ये देखें जी, बाइक भी मैंने बाहर निकाल ली है, तो अब जो है ना वहीं पे चलते हैं हमाम पे, फिर आप सबसे मिलते हैं। जी तो मूछों की सेटिंग मैंने करवा ली है, अब मैं जा रहा हूँ शहर, थोड़ा काम है। ये देखें जी, दो भैंसे जो है ना लोडर पे लोड होके जा रही हैं कहीं पे। और यहाँ पे जी दो चोर पकड़े हैं, पुलिस भी आई हुई है। चोर ये जो थे ना सिलेंडर चोरी करने वाले, तो मेरे ख्याल में अब जो है ना पुलिस लेके जा रही है। अल्लाह पाक जो है ना सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये कहते थे कि हम जो है ना यहीं के रहने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए सिलेंडर दे दें, फिर जो है ना वापस करते हैं, ये बड़े सिलेंडर, तो ये जो है ना फिर उड़ा के ले जाते और बेच देते। अब यहाँ पे जो है ना ये पकड़े गए हैं। क्या
ये जी चोरों को लेके जा रहे हैं अपनी उनकी गाड़ी में। पुलिस आगे है और अंदर जो है ना एक पुलिस वाला बैठा है कार में। ये जी सारा रोड जाम हो गया है, बड़ी आवाम इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए सब माशाल्लाह खुश है, चोर को पकड़ के जो है ना पुलिस के हवाले कर दिया है, सब खुश है। ये देखें जी ये ईंट बनाने की जगह जो है ना अभी तक भी खुश्क नहीं हुई। बेचारे जो मजदूर बंदे हैं ईंट बनाने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है जी। तो मैं वापस घर आ चुका हूँ और ये किसका मोबाइल उठाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसका मोबाइल है? क्या देख रहे हो? हैं? हैं? ना देखा कर इतना मोबाइल। अम्मी कहाँ है आपकी? यहाँ दरख्तों के साए तले जो है ना कुछ बातें आप सबसे करनी है, तो यहाँ पे चलते हैं और आप सब ने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। ये देखें जी ये जो है ना सारे सफेदे के दरख्त हैं हमारे यहाँ, बाकी दरख्त जो है ना अब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना सेम निकलती है नीचे ज़मीन वाला पानी जो ऊपर आता है ना, तो इसी वजह से बाकी सारे दरख्त जो है ना यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। आपकी भाभी जो है ना वो गई हुई है अपनी अम्मी के घर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वो नहीं गई थी। मुझसे पूछा था सुबह को कि मैं जो है ना आज चक्कर लगाऊंगी, घर जो है ना करीब ही है, ज़्यादा सफ़र नहीं है, तो मैंने कहा चलें ठीक है आप जो है ना मिल आना, हाल अहवाल जो है ना अम्मी का पूछ आना। तो वो वहीं पे गई हुई है। तो प्यार बहन भैया जो बातें आप सबसे शेयर करनी थी, जो सैलाब जदगान बेचारे खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बेचारों के पास छतें भी नहीं रही, मकानात गिर चुके हैं, बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हो चुकी हैं, तो सीरियसली जब उनके बारे में सोचते हैं तो दिल बहुत दुखता है, बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला उनकी मदद नुसरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए जो बेचारे परेशान हाल हैं। तो आप सबसे गुजारिश है जो भी मुखय्यर हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जितना आपके पास तौफीक है हम कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम बहुत कुछ कर लेंगे। हमारी कोशिश से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है, हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी, बाकी सब कुछ करने वाली जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम कोशिश करके तो देखें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। वो बेचारे इस वक्त जो है ना हम सब की राहें देख रहे हैं, वो अब बेचारे बहुत ज़्यादा इनके मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, तो हम ज़रूर कोशिश करें। नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये आप सबकी अमानत होगी और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप सबकी अमानत जो है ना मैं सही हाथों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो प्यार बहन भैया इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जिन बहनों और भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन मुखय्यर हज़रात तक पहुँचे और वो इन बेचारों ज़रूरतमंदों के बारे में कुछ सोचें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमें रखना दुआ में याद। अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।